10 करोड़ का माल बेच के दो, हम एक महीने में बेच के दे देंगे। जितनी रिक्वायरमेंट आ रही है आप देख लो कि आप काम कर सकते हो कि नहीं करते हो। हमेशा काम ऐसे ही स्टार्ट करना पड़ता है, 15 दिन या आपका वो माल 6 दिन में बिक गया 3150। कोई भी डीलर आपको इसे 3150 का नहीं देगा, 4,450 का देगा। मैं कमेंट से कोई डरता नहीं सर, जितना बुरा कमेंट करना हो कर दीजिए मुझे। हेलो गाइस, मेरा नाम इशमान, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने लगा क्योंकि आज के स्कूल में मैं यहाँ पे नाके वाले पंडित जी के पास में आ चुका हूँ और काफ़ी लोग की डिमांड कर रहे थे कि भाई हमें सेकंड हैंड मोबाइल का बिजनेस कैसे करें, हमें उस पर वीडियो बना दीजिए। और काफ़ी लोग के कमेंट्स भी आ रहे थे तो मैं उनके लिए वीडियो लिखे हैं। तो चलते हैं यहाँ के मेन ओनर से मिलते हैं पंडित जी से और एक ही डिटेल जानते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सर कैसे हैं? बढ़िया, सब बढ़िया बढ़िया जी। हाँ सर, क्या दिखाने वाले हैं? दिखाएँगे क्या, मोबाइल का बिजनेस कैसे करें, काफी लोग वो मैं आपको बता दूंगा जी। आपने दिखाने की बात करी तो आप पीछे से घुमा के देख लो स्टॉक जो है इस तरह से। हाँ। देखिए सिक्योरिटी भी चल रहा है, बिल्कुल पैकिंग देखिए वहाँ पे हो रहे हैं इस। हाँ। तरह के हम लोग स्टिकर लग रहे हैं और ये देखिए स्टॉक लगा हुआ है, कुछ ज्यादा नहीं लगा दिया। हाँ नहीं, स्टॉक तो आ ही रहा है डेली ना, अप डाउन कर रहा है बिल्कुल, और इधर भी लगे हुए हैं। अब ये स्टॉक जो है वो बुक है, वो सारे बुक है। हाँ वो तो जा ही रहा है, वो छोटी हुई इधर वाली ये देखिए ये बुक ये वाला ना। हाँ सबको बुक है, ये भी नया स्टॉक आया हुआ। अच्छा ये वाला ना। हाँ तो ये स्टॉक अपने पास अवेलेबल रहता है बिल्कुल। अपना मेन काम होलसेल का है। अच्छा हाँ, होलसेल का क्या है कि बॉक्स टू बॉक्स में इसको डील करना, जो बॉक्स चाहिए जिसको पैक टू पैक चाहिए, जैसा फोन आता है अपना फ्लिपकार्ट का प्रेक्षो का हम आपको एज इट इज दे देंगे बिल्कुल। जिसने मतलब होलसेल काम स्टार्ट करना है क्या करना है आप मुझे बताओ, क्या बताना है, कितना पैसा होना चाहिए तो स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। तो स्टार्ट करने के लिए क्या है कि बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें जितना पैसा हो कम है। अच्छा मतलब कहते हैं नहीं कि जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। बिल्कुल आप 25,000 से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। 25,000 में बिल्कुल कर सकते हो। बिल्कुल भाई 25,000 में आपको 5-7 फोन हम दे देंगे, 8 फोन भी मिल सकता है हमारे यहाँ, कोई मतलब वो नहीं है। अगर आपने 1500 वाले लिए तो 15 वाले अगर आप 1500-2000 तक लोगे लगभग आपको 10-12 फोन हो जाएंगे। 10-12 फोन 25,000 में हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि एवरेज वैल्यू एवरेज कास्ट जो चलती है वो 3,000-3,500 चलती है। क्यूसी वगैरह बता दीजिए क्या होता है। क्यूसी क्या होता है कि इसी माल को खोल के, जैसे कि इसमें कोई 3500 का निकला, डिस्प्ले ओरिजिनल है, हर चीज ओरिजिनल है, अब वो P4 रेट में 3500 का है तो लोग क्या करते हैं उसको P2 में जो आ रहा है उसका P2 का रेट होता है लगभग 5,500 रुपया। तो लोग क्या करते हैं जो क्यूसी करते हैं वो 5,500 वाले को क्या करते हैं 5,000 कर देते हैं, मतलब P2 से 200 रुपया कम। हाँ। और P4 से 1,500 ज्यादा, क्योंकि ओरिजिनल डिस्प्ले है, ओरिजिनल सब कुछ है, भले कंपनी ने P4 में डाला है पर सामने वाले को तो क्यूसी चाहिए ना, वो तो हर चीज चेक करके ले जाएगा बिल्कुल। वो 1,000-1,500 लोग को देने में खलता नहीं है। लेकिन रियल ये है कि आप ओरिजिनल पे काम करिए, ओरिजिनल काम। अच्छा। ओरिजिनल फ्लिपकार्ट का मान लीजिए, नई पेटी को एक साइड से खोल के आराम से देख के लीजिए बिल्कुल। अब आप उसको पैक टू पैक के रेट में लेंगे तो जो ओरिजिनल P4 का निकलेगा वो भी आपको मिलेगा। हाँ। जो P2 P3 है वो P2 P3 के रेट से मिलेगा, उसमें कोई भी चीज कंपनी मैनेज करके नहीं देती। जो कंपनी मैनेज नहीं करके देती तो हम मैनेज करने वाले कौन होते हैं बिल्कुल। तो हमारे यहाँ टोटल ओरिजिनल माल मिलेगा, ओरिजिनल अच्छा। रेट मिलेगा, कोई भी चीज में कोई भी चीज छेड़ा नहीं होगा। सील वगैरह कैसे होगी? सील पेटी होगा, हमने अपने हर वीडियो में दिखाया है कि पेटियां अगर आप लोगे तो उसमें एक व्हाइट कलर का सील वाली। हाँ ये उस डिब्बे के बगल ये। हाँ नीचे देखिए सील लगी व्हाइट कलर की। अच्छा। 50 फोन की पेटी है ये ना। हाँ क्वांटिटी लिखा हुआ है, वेट लिखा हुआ है, तो इस तरह से सील लगी होती है बिल्कुल। पेटी चारों तरफ से सील होगी, अंदर जो भी माल होगा वो फ्लिपकार्ट का होगा। अच्छा। उसके मॉडल की शीट जो है ऐसे मॉडल की शीट उसके ऊपर लगी रहती है, ऐसे सीटें लगी रहती है इसमें। ये अंदर कौन कौन सा फोन है इसमें? हाँ वो लगी रहती है बिल्कुल, वही फोन निकलेगा, इस बात की जिम्मेदारी होती है फ्लिपकार्ट की। ये हमारी भी गारंटी है, आपने जो बोला मैंने ये माल निकलेगा वही माल निकलेगा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसने भी काफी कमेंट आता है हमको भी भाई बिजनेस कैसे स्टार्ट करें बिल्कुल सेकंड हैंड मोबाइल का, कई कस्टमर भी हमको इस बात के लिए कमेंट करते हैं। हाँ। बहुत ज्यादा फोन करते हैं और ये बात पूछते हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी 7-8 महीना पहले। हाँ। उसमें भी ये चीज बताई थी हमने कि सर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या करना होता है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना कि आप पहले काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो क्या इस क्षेत्र में कर पाओगे नहीं, उसके लिए क्या करना होता है। एक दुकान लो रेंट पे, क्या है कि केवल मोबाइल पे मत जाओ। हाँ। क्योंकि ये बड़ा आइटम है, ये 1,000-1,500-2,000-3,000 का सामान है बिल्कुल, डेली नहीं बिकता।
हम ये नहीं कर रहे हैं डेली बिकता, देखो डेली सबका हाँ। किसी किसी का नहीं बिकता, नया माल काम स्टार्ट करोगे आप पता डेली चार फोन नहीं बिका क्या करोगे, नए दुकानदार का नहीं बिकता है भाई, नए दुकानदार का डेली नहीं बिकता, या तो उसका स्टॉक होता बिल्कुल, अगर आप 25-30 हज़ार से स्टार्ट करोगे तो जाहिर सी बात की डेली उतना नहीं बिकेगा हाँ। लेकिन जहाँ आप मान लो 25 हज़ार का स्टार्ट करने वाले हो तो आप 25 हज़ार ना करके 20 हज़ार का स्टार्ट करो, अच्छा 5 हज़ार रुपए का एसेसरीज खरीद लो जी, जैसे टेम्पर्ड है, कवर है, चार्जर है, डाटा केबल है, हैंड फ्री है, मतलब इस टाइप के, वो भी 2-2-4 हज़ार रुपए आपका, जैसे किसके पास कम पैसा है, कम पूंजी वाले को लिए बता रहा हूँ, उसमें क्या होगा कि आपका मतलब बिजनेस का एक लेवल हो जाएगा कि आप बैठे हो दुकान पे, आपने बैठ गए, आपका कस्टमर है भैया हैंड फ्री दे दो, सेल होती रहेगी हाँ, कुछ ना कुछ, मतलब आपको बोरियत नहीं महसूस होगी हाँ। कि आप आया हैंड फ्री कोई ले जा रहा, कोई चार्जर ले जा रहा, कोई केबल ले जा रहा, बीच में कोई कस्टमर आया खड़ा हुआ तो सामान लेना, तुम देखा भैया मोबाइल क्या रेट है, अब धीरे धीरे आदमी को धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि भाई मोबाइल बेचते हैं बिल्कुल, तो उससे लोग आपको जुड़ते रहेंगे, कुछ लोग जो हैंड फ्री लेके जाएंगे खरीद के, या कोई डाटा केबल खरीद रहा है, या कोई अदर पार्ट्स जो आप बेच सकते हो, टेम्पर लगवा रहा है, कोई कवर लगवा रहा है, तो वो धीरे धीरे आपका ये भी काम स्टेबल करेगा। जब हम 10 रुपए 20 रुपए 2 रुपए दे के कोई चीज बेचते हैं कस्टमर को, भाई हमने 15 रुपए की केबल खरीदी 20 की बेची, तो उससे क्या होता है कि आदमी को लग रहा है कि माल सस्ता आ रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, आपका मेन उद्देश्य सेकेंड हैंड मोबाइल, अब वो आया मोबाइल लेने, तो चलो ठीक है, जो मोबाइल आपका 1500 का है आपने उसको 2000 का बेच दिया, उधर 10 रुपए कमाया, इधर तो 500 आपको आ रहा है ना हाँ। अब आपने हैंड फ्री डाटा केबल बेच रहे हो, ऐसा नहीं कि आप उसमें प्रॉफिट नहीं कमाओगे हाँ। मार्केट जो वैल्यू है 25 का सामान 50 का हैंड फ्री बेचा जाता है जी। रिटेल पता है सबको केबल का क्या रेट है, 25 का आया तो 50 का जाना है बिल्कुल, गारंटी वाला माल 100 का बिकना है, तो मान लो 10-20-50-100-150 उसमें भी आप कमाओगे जी। एक बहाना बना हुआ है, दुकानदारी चल रही है, आप बैठे नहीं, आपके पास जितनी रिक्वायरमेंट आ रही है नेक्स्ट टाइम आप वो आप बढ़ाते जाओ, क्योंकि सीढ़ी काम ऐसे स्टार्ट करो। हम सब डीलर को बताते हैं भाई साहब कभी भी मत आओ आप 10 हज़ार पीस खरीद लो, 1000 पीस या 100 पीस 200 पीस में खरीदो कभी नहीं, आप पहले एक बार छोटे से स्टार्ट कर लो जी। आप देख लो कि आप काम कर सकते हो कि नहीं करते हो, क्योंकि क्या होता है कुछ लोगों का लॉस हो जाता है हाँ, देख देख के काम स्टार्ट करते हैं, उनको जानकारी होती नहीं ज्यादा हाँ, आपको जानकारी नहीं, आप आए फटते, आपने हमसे डरते पैसे मांग लाए, पिताजी से मांग लाए हाँ। 2-2.5-3 लाख कमाल लेके गए, आप उसके बाद दुकान में बैठ नहीं पाए या आपको हाँ। नहीं समझ में आया काम हाँ। तो यार सेल कर पाए भाई, पिताजी के 2-2.5 लाख रुपए बर्बाद होंगे बिल्कुल, बेचारे कहाँ से कमा के लेके आए कैसे किए, कभी भी फैमिली पर भी इतना प्रेशर मत डालिए, आप पहले स्टार्ट करिए भाई, ये थोड़ी ना कि आज बन गया कल का सेट बनेंगे जी, आज ही काम स्टार्ट करेंगे कल करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं बिल्कुल, हमेशा काम ऐसे ही स्टार्ट करना पड़ता है, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो हाँ। चाहे टाटा हो हाँ। चाहे अडानी हो, चाहे अडानी चाहे जो भी हुआ बिल्कुल, हर काम आदमी ऐसे स्टार्ट होता है, ये अलग बात है कि मुकेश अंबानी बड़े हो गए जी, मगर धीरू भाई अंबानी शुरू से नहीं आगे निकले बिल्कुल, ये पैदाइश का फर्क था उनका हाँ। कि वो अपने मतलब धीरू भाई अंबानी के पैदा हुए, लेकिन अगर जो आदमी छोटे से काम है या नहीं पिताजी के पास इतना पैसा है कि वो 1-2 लाख का मतलब झटका बर्दाश्त कर सके जी। तो कम से कम ये देखिए कि पिताजी ने पैसे किस तरह से बटोरे हैं बिल्कुल, आप एक बार उन्हें कमा के दिखाइए, आप आइए 20-25 हज़ार का स्टार्टिंग करिए, आप ले जाइए भाई, जल्दबाजी मत करिए, महीना भर 15 दिन या आपका वो माल छेद में बिक गया जी, छेद में बिका तुरंत आइए दूसरा खरीदिए, तीसरा खरीदिए, उसके बाद पापा से बोलिए पैसा लगाओ बिल्कुल, आपका नुकसान चूंकि आप खेल चुके हो, इस खेल के पुराने खिलाड़ी हो हाँ। कि आज अगर कोई कंपनी हमसे बोले कि सर आप मुझे 10 करोड़ का माल बेच के दो, हम 1 महीने में बेच के दे देंगे, बेच देंगे, हमें पता है इस खेल का मैं खिलाड़ी हूँ हाँ, पुराना खिलाड़ी हाँ, अगर लेकिन अभी इस काम में मैं ये काम कर रहा हूँ मोबाइल का, अभी मुझे कोई कह दे कि आप जो है ट्रक का स्पेयर पार्ट बेच के दिखाओ हाँ। मैं भाई साहब 2 लाख लगाने में पिछड़ूंगा बिल्कुल, क्योंकि मैं उस खेल का खिलाड़ी नहीं हूँ हाँ। मुझे उसका अनुभव नहीं है, मुझे जिसका अनुभव है, तो जब आप अनुभव कर लो तब आप हाई लेवल पे काम करो, आपको तब अनुभव हो जाएगा कि हमें कहाँ जाना है बिल्कुल। अब जैसे मैंने आपसे बताया कि एक फोन में कितना प्रॉफिट कमाना होता है, हमारे सामने एक फोन निकल रहा है जी, देखो जैसे कि आप हैंड फ्री चार्जर बेच ही रहे हो हाँ। एक बीच में ये भी डाल दिया आप 10 फोन, कोई आया रेट लिया उठाया, आपको ये हमारे पास निकला Note 7 Pro जी। अब ये Note 7 Pro कभी कभी 4400 का P3 भी निकलता है बिल्कुल, अगर आप पैक टू पैक में लोगे अच्छा, अगर QC में लोगे सारे फोन जितने वेल होंगे वो आपको 4000 प्लस के ही देते हैं हर दुकानदार, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी लोगे कोई भी आदमी इसको सस्ता नहीं देगा, 4400-4500 रेट होगा बिल्कुल, क्योंकि इसका P3 का रेट 4400 फ्लिपकार्ट डालती है हाँ। और
P4 का डालती है 3150 रुपया। अब ये फोन P4 में है या P3 में तो स्कैन करने के बाद मालूम हो जाएगा, लेकिन जब कोई आदमी QC करेगा आपको ओरिजिनल फोन ओरिजिनल सब कुछ चाहिए चेक करके, तो सर वो आपको P3 के रेट में P4 के रेट में क्यों बिल करेगा। अब ऐसे बार कोड स्कैनर उठाया हमने, यहाँ पर हमने क्लिक किया, रेट देखिए सर P4 में क्या रेट आ रहा है, कितना निकला 3150। अब ये कंडीशन देखेंगे आप, ओरिजिनल डिस्प्ले सब कुछ वेल है, बैटरी डाउन है क्या? ना ना, अच्छा 3150 का P4 में निकला, हम स्क्रैच भी नहीं है बिल्कुल। अब ये 4400-4500 में आप आराम से बेच सकते हो बिल्कुल इस रेट में, लेकिन अब आप QC में लोगे तो जब सब कुछ ओरिजिनल है तो कोई भी डीलर आपको इसे 3150 का नहीं देगा, नहीं देगा। ये लक बाई चांस है, जो पैक टू पैक में लेते हैं उनको निकलता है। ओरिजिनल पेटी नई पेटी से खोल के मान लीजिए आपको सेम टू सेम इसी रेट का मिलेगा बिल्कुल। दूसरा मैं आपको स्कैन करके दिखाता हूँ, अभी दिखा दिए ठीक है। आपके सामने एक फोन ये निकल रहा है मेरे रेडमी नोटेड। अब इसकी वैल्यू कम से कम 4400-5000 में आप इसे, अब जो जैसे मैंने इसका बताया था कि 3100 का निकल रहा है, डीलर कोई आपको होलसेल में देगा सब कुछ चेक करके तो 4400-4500 का देगा। 4500 का फोन बेचोगे कितने का आप? 5000 बेचने में तो आपको लग जाएंगे, प्रॉफिट तो 500 ही आएगा ना बिल्कुल, क्योंकि प्रॉफिट तो खा चुका है। लेकिन अगर 3150 का फोन आपका निकलता तो भाई साहब अगर आप 4000 में बेच डालोगे बिल्कुल तो भी आपको ज्यादा कुछ नहीं, 1000 अंदर आ रहे हैं, 1000 अंदर आ रहे हैं बिल्कुल। दूसरा ये देखिए, इसलिए आप बोलते हैं कि वो P4 काला सोना होता है, P4 काला सोना होता है। मैंने कहा देखिए अभी P4 में निकल गया, Redmi Note 8 P4 4GB 64GB, यहाँ पर लिखा होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 64GB 64GB आने का, अच्छा इसी पे लिखा होता है, यहाँ पे 64GB लिखा होता है बिल्कुल लिखा है। कंपनी ने लिख के देती, कंपनी केवल रेट में काम करती है, फ्लिपकार्ट केवल रेट में काम करती है। P1 P2 P3 P4 मैंने पहले बताया, P1 में डिब्बा चार्जर होता है, वेल कंडीशन फोन होते हैं, अंडर गारंटी हो सकते हैं, गारंटी के 1-2 महीने बाहर होते हैं बिल्कुल। P2 अंडर गारंटी हो सकते हैं, गारंटी 1-2 महीने बाहर हो सकते हैं, मगर P2 में डिब्बा चार्जर नहीं मिलेगा। P3 में 30% फोन 20% फोन कॉपी डिस्प्ले आ सकता है जी। P3 में बाकी 70% फोन ओरिजिनल डिस्प्ले निकलेगा, मगर बैक पैनल में कोई इशू किसी में मतलब 20% फोन में हो सकता है, ये कंपनी का कमिटमेंट है। P4 50% ओरिजिनल निकलेगा, 30% कॉपी निकलेगा और 20% ब्रोकर निकलेगा, ये कंपनी का कमिटमेंट है, ये मैंने आपको पहले बताया। तो P1 P2 P3 P4 ग्रेड मैंने आपको विस्तार से समझा दिया। कई कमेंट आते हैं हमको कि P2 P3 P4 होता क्या होता है, अगर देखो मेरे वीडियो पे आप वैड कमेंट पाते हो तो एक बार ध्यान रखिएगा, बुरा आदमी उसी को कहता है जिसकी चर्चा होती है, वैल्यू होती है, जिसकी चर्चा ही नहीं होगी सर उसको तो आदमी कुछ कहेगा ही नहीं बिल्कुल। तो अच्छाई भी उसी की निकालेंगे आदमी और बुराई भी उसी की निकालेगा जिसको लोग जानते होंगे। एक कमेंट भी आता है हमेशा बिल्कुल, मैं कमेंट से कोई डरता नहीं सर, जितना बुरा कमेंट करना हो कर दीजिए, मुझे लगेगा कि हाँ मुझे लोग पहचानने वाले कितने बिल्कुल, उसी से तो मालूम होगा कि लोग भाई को याद करेगा तो भी तो लिखेगा बिल्कुल, इसका मतलब हमें पहचानता है। और चोर का क्या हुआ, चोर है कि नहीं? अरे यार वो आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, खैर अगर नहीं पकड़े उसके मोहल्ले वाले याद गए होंगे आपके। मैं अपने चैनल पे कईयों चैनल पे मैंने एक वीडियो डाल दी बिल्कुल, सामने तो नहीं पढ़ सकता मगर मोहल्ले वाले तो बताएंगे भैया तूने फोन चोरी किया है, तो सर गलत काम कोई ना करे बिल्कुल। इज्जत की रोटी बहुत अच्छी होती है, ईमानदारी से कमा के खाइए, 100 रुपया ईमानदारी के 10,000 बेईमानी के, जितना 10,000 का बेईमानी वाला पैसा जो है आप रख के नहीं चला पाओगे, 100 रुपया ईमानदारी वाला जो कमाओगे और 10,000 बेईमानी वाला, 10,000 बेईमानी वाला पैसा आपको रखने में 10 बार तकलीफ होगी और 100 रुपया वाला ईमानदारी वाला पैसा जब आप रखोगे आपको बहुत खुशी होगी, वो आपकी इम्यूनिटी जो होती है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा 100 रुपए वाला जी। और जो आपकी इम्यूनिटी है वो 10,000 कमाओगे चोरी वाला तो वो आपकी डाउन करेगा बिल्कुल। इसीलिए लोग कहते हैं ईमानदारी वाला पैसा वो आदमी को रास आता है बिल्कुल। तो ये हो गया सिस्टम, आप दिल्ली वाला रेट देते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक P3 भी स्कैन करता हूँ, मेरे पास P3 का पड़ा हुआ रेट देखिए। अच्छा सर P3 में निकल रहा है C33 33 होगा कंडीशन बिल्कुल, मतलब P3 में महंगा फोन नहीं होता जरूरी नहीं, कंडीशन देखिए सर क्या चमक रहा है बिल्कुल ओरिजिनल डिस्प्ले में है 33 होगा। अरे सर कहीं नहीं गया, 33 होगा फोन है, 4500 का बेच लीजिए या 1000 का भी बेच सकता। अरे भाई जब ये फोन मैं आपको 45 का बेचूंगा तो अगर QC करेंगे तो ये 45 का बिकेगा, 4000 का लोग बेचेंगे बिल्कुल, 4000 का बेचेंगे तो आप कितना कमाओगे 200-300-400, लेकिन जब 33 का आपको देंगे तो आराम से आप 1000 खंड पैसा भाई कमा सकते हो बिल्कुल। तो ये हो गया, अब आप हम लोग कहाँ थे, वो दिल्ली वाले देख देते हैं आप। देखिए अपना सिस्टम ही मेन है, अगर कोई हमसे जुड़ के काम करता है तो अपना सेम रेट वो होगा जो दिल्ली का है।
क्योंकि उनकी रेटिंग क्या नाम अपना रेट कार्ड होता है जी, आप किसी कंपनी से मंगा लीजिए, हमसे मंगा लीजिए, रेट कार्ड ले लीजिए, सेम टू सेम रेट का आपको मिलने वाला है बिल्कुल। तो जो रेट हमारा है आप उनसे मैच कर लीजिए। हाँ। जो कंपनी का डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट देते हैं हम। हाँ। बॉक्स पर अलग डिस्काउंट होता है। हाँ। P2P का अलग रेट चलता है, VRP का डिस्काउंट अलग होता है जी, बल्क रेट का डिस्काउंट अलग होता है बिल्कुल। तो सारा रेट अपने पास हमेशा माल अवेलेबल रहता है। COD ऑल ओवर इंडिया है। पैकिंग कंडीशन देख लीजिए, उधर पैकिंग चल रही है बिल्कुल। आप वहाँ पे दिखा दीजिए, ऐसा नहीं है। बॉक्स के प्राइस की डिमांड आ रही थी, बॉक्स के लिए अभी पूरा लीजिए एक बॉक्स। अरे ये पूरा प्राइस क्या रहता है देखिए, अप्रोक्स क्या हुआ जी। अब ये मैं यहाँ पर आपको नंबर हटाऊंगा, यहाँ देखिए क्या लिखा है, एड्रेस पढ़िए बिल्कुल। ये गुजरात का, गुजरात। अब ये माल देखिए, माल गुजरात जा रहा है ठीक है। अच्छा, सूरत, गुजरात जो भी है बिल्कुल। यहाँ वैल्यू देखेंगे, इसकी वैल्यू नहीं बनाई मैंने, दो बंदे मिला गया, दूसरा बंदा का ये 64 नंबर, सब में कस्टमर के पड़े हुए नंबर नहीं दिखाना होता है। यहाँ पे देखेंगे 64 क्वांटिटी है, नंबर यहाँ दिख जाता है, यहाँ पर बिल होता है, ये देखिए जी 1,54,400। ये एक्चुअल वैल्यू है, डिस्काउंट हम कस्टमर से बात कर लेते हैं, जिसको जो पेटी पर डिस्काउंट होता है हम लोग अलग से देते हैं, एक बॉक्स का प्राइस है ये। अब ये रेट मैं आपको इस पे मैनेज करता हूँ बिल्कुल। अब ये माल जा रहा है गुजरात जा रहा है। हाँ। ये पैकिंग हो रही है, अभी हम बबल्स पे डलवा के अलग से इनकी पैकिंग बनवाएंगे। अच्छा। ये बबल्स आया हुआ है बिल्कुल, ये बबल्स की पन्नियां है। हाँ। ये फाड़ के एक एक फोन जो है लपेट के बहुत अच्छे से पैकिंग किया जाता है, खानों में तीन तीन चार चार फोन करके ये हम लोग पैक कर देते हैं। अच्छा। ये वीडियो कॉलिंग पे फोन निकाला गया है दिखा के, सारा रेट सारा वैल्यू। अगर कोई भी आपके साथ फ्रॉड करना चाहे कि हम चेंज कर सकते हैं। हाँ। तो ये नहीं सोचिए कि WSN जो लिखा होता है इसी WSN से, यहाँ पर भी एक स्टील कंपनी WSN का लगा के देती है बिल्कुल। ये नंबर जो होता है, ये नंबर इनकी सीट जो होती है, मैंने कस्टमर को सीट दिया, कस्टमर का WID नंबर ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड होता है। हाँ। इस ID जो ये ID लिखी होती है WID नंबर होता है ठीक है ना, ये WID नंबर आप जो पेटी से करोगे वो उस पर लिखा होता है। तो जब भी माल आपके पास पहुंचता है अगर आपको डाउट होता है तो आपने WVID मिला लीजिए। WVID से या WID से ही आपका ये WSN होगा। WSN से ही जो है मॉडल नंबर है उसका भी आप कुछ रेट दिखाते चलता हूँ। देखिए मोटो G8 लाइट आप रेट देख लीजिए, P4 में 2700 रुपये का रहा है, 2700। इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 P3 में 3700 का, Y30 P4 में 3800 रुपये का, नोट 7S P3 में 4300, मतलब ये नहीं P4 में भी है P3 में भी, हार्ट 10 P4 में 2200 रुपया, MI Note 5 Pro P4 2650 रुपया, Redmi 5 Pro P4 3100 रुपया, Realme 31i तो Realme 3i P4 2600 रुपया, Note 6 Pro P4 2800 रुपया, Galaxy A50s P4 3300 रुपया, Realme 8i P5 3600 रुपया, MI 6 है तो P5 में, मैं P5 को बता दे रहा हूँ, P5 में कंपनी में ये कहना होता है कि एक फंक्शन तो 100% वर्क नहीं करेगा बिल्कुल, 19% मान चलो एक फंक्शन वर्क नहीं करता, ज्यादातर P5 में कैमरा नॉट वर्किंग होता है। अच्छा। तो कभी भी P5 अगर हमारे हाथ में आता तो आप माइंड कर दिया करिए कि कैमरा नॉट वर्किंग होगा, ना तो कंपनी कुछ क्लेम कर सकती है ना हम इस पर कोई क्लेम आपको दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने P5 लिख दिया है बिल्कुल। P4 में ग्लास ब्रोकन हो सकता है लेकिन केवल 20%, 100 फोन जैसे इसमें लिया गया हम चेक करेंगे तो इसमें ग्लास ब्रोकन टोटल माल में कितना ग्लास ब्रोकन निकला, 64 पीस का माल, ये 64 पीस की पेटी है, देखिए 64 क्वांटिटी है इसमें है ना, टोटल माल एक ही पार्टी का, उसका नंबर यहाँ भी दिया गया है और वही नंबर यहाँ भी दिया गया है ठीक है। अच्छा, तो ये 64 पीस की पेटी है बिल्कुल, और यहाँ पे लिखा भी 64 पीस। अब इसमें आप जो माल देखेंगे टोटल, इन्होंने चेक कराया है, हमने चेक कराया कि माल कितना टोटल निकला है, क्या कर, अब देखिए क्या निकला, देखिए ग्लास ब्रोकन निकला 64 फोन में। हम आपको P4 भी दिखा देंगे, डिस्प्ले भी ओरिजिनल है, देखिए ग्लास ब्रोकन निकला P4 में, 64 फोन में कितने निकले चंद, मेरे 9 फोन देखिए, और P5 में वो निकले, केवल देखिए केवल ग्लास ब्रोकन निकले जी, नहीं P5 में हमने चेक नहीं किए। अच्छा, देखिए डिस्प्ले ओरिजिनल है बिल्कुल, केवल ग्लास ब्रोकन निकले हैं 200। अब आप 64 फोन QC करोगे तो भाई साहब 500-1000 रुपये दुकान, देखिए सारी डिस्प्ले ओके हैं जी, केवल ग्लास ब्रोकन है, जो ग्लास बना लेता है दुकानदार 200 रुपये में बन जाएगा टोटल। हाँ, टोटल फोन में दिखा रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ फोन, लगभग 9-10 फोन इसमें ब्रोकन निकले, नहीं अभी खोला नहीं गया, 9 फोन ब्रोकन निकले, 9 फोन इसमें ब्रोकन निकले हैं। तो ग्लास ब्रोकन है, जो बंदा रिपेयरिंग करता है। हाँ। अभी देखिए S10 S10 की वैल्यू मैं दिखा रहा हूँ, जब बिल्स के नीचे होगा, ये तो पूरा टूटा हुआ है। हाँ कंडीशन, अरे तो क्या हुआ,
अब एस्टन तो 10,000 से कम का नहीं आता, बैक पैनल आपका 250-400 का आ जाएगा, 400 में बोल दे रहा हूँ। P4 में जाएगा, मैं देखता हूँ एस्टन क्या रेट है, गैलेक्सी एस्टन, एस्टन एस्टन 7,200 रुपये का बिल्कुल ठीक है। क्या होता है कि हम प्रॉफिट सारे में सोच के नहीं चलते, ये 6,000 का 5,500 का आराम से बिक जाएगा बिल्कुल, उतना तो इसमें हम डिस्काउंट दे देंगे, इसके नाम ही काफी है। हाँ एस्टन कस्टमर को भी डिस्काउंट दे दे, कर डिस्प्ले फोन है तो उसके 7-8 फोन टूटे निकले हैं। हम कह रहे हैं कि आप मोटा मोटा, अब ये मान लो 8 फोन में वैसे 200 रुपए ग्लास का बनना है, एक फोन लॉस का निकला 5,000 पकड़ लो उसका, मैं कहता हूँ 5,000 लॉस हो गया ठीक बिल्कुल, बाकी बचे 8 फोन, 8 फोन में भी 5,500 जोड़ लो जी, 8×5=40, 5,000-9,000 लॉस हुआ ठीक है। लॉस अगर आप वैसे तो क्यूसी में लोग 1,000-2,000 पर फोन एक्स्ट्रा लेते हैं, आप मान लो कि अगर आप 500 रुपए सारे फोन में क्यूसी जोड़ लो जी, 60 फोन का कितना हुआ, 6×5=30,000 रुपए बचे आपको बिल्कुल, 10,000 चले गए, 20,000 आपके घर में अभी भी है। मैं 500 बोल रहा हूँ, हर फोन में लगभग 1,000 रुपए आदमी लेता है, इससे कम लोग क्यूसी नहीं करते, एग्जांपल दिया, एग्जांपल दे रहा हूँ, 1,000 रुपए से कम नहीं क्यूसी होता, कोई महंगा कोई एवरेज करेंगे तो 1,000 रुपए क्यूसी जाती है बिल्कुल। चूंकि इसमें आपको फोन अच्छे अच्छे भी मैं दिखाऊंगा कि जो पड़े हैं जी, कि आपको चमकते हुए दिखेंगे। देखिए अब ये P4 में है Y12 मात्र 3,350 के आसपास होगा बिल्कुल, ये 4,500 कहीं नहीं गया है, 5,000-4,500 में लोग बेचेंगे, तो इसमें आपको क्या है 1,000 बचने। हाँ। क्यूसी करके जाओगे सर आपको यही 4,500 का मिलेगा, क्यूसी मिलोगे ऐसे 3,100-3,200 का है बिल्कुल, क्यूसी में 4,500 का पड़ेगा तो 5,000 बेचोगे 500 कमाओगे। हाँ। और आपको ये 3,100 का पड़ रहा है, 3,100 का पड़ रहा है, हमारी सीओडी जो है ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। देखिए सीओडी हम लोग इस तरह से हमारे पार्सल निकलते हैं और सब पे स्टिकर वगैरह लगे रहते हैं कि कोई आदमी ऊपर से उखाड़ के इसको चेंज न कर पाओगे। आप करीब से जाके दिखा दीजिए, करीब से कि पन्नियां वगैरह कैसे पैकिंग होती हैं जी, और हम देखो एक एक वीडियो अपलोड की जाएंगी। अच्छा। वीडियो अपलोड की जाएंगी कि वीडियो अपलोड करके ही डाली जाएगी बिल्कुल, ये भेजी जाएगी वीडियो, मतलब किस तरह से पार्सल आपको जो पार्सल रिसीव हो आपको जो पार्सल रिसीव हो तो उसको चेक करना होता है कि हम पार्सल भेजने से पहले आपको वीडियो डाल देते हैं बिल्कुल, तो उस वीडियो से आपको पार्सल अपना मैच करना होता है कि हमारा पार्सल एज इट इज है कि नहीं। हाँ। एक चीज दूसरी चीज, पार्सल खोलते वक्त की आप वीडियो बना लीजिएगा। हाँ। क्योंकि अगर पार्सल को एज इट इज मिला है। हाँ। तो अगर कोई फोन कम निकलता तो जिम्मेदारी हमारी है जी, लेकिन वीडियो आप बना लेंगे एक चीज। दूसरी चीज, अगर पार्सल जिस तरह से मैंने वीडियो बना भेजी सेम पार्सल आपको नहीं मिलता तो आप पार्सल रिसीव नहीं करेंगे, अन्यथा कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, सेम पार्सल है रिसीव कर लीजिए या तो आप हमसे बात करिए ठीक है ना। ये हो गया अपना सीओडी, अब आपको बताते हैं अपना एड्रेस जी, एड्रेस आने जाने का किराया छूट गया। देखिए जो भी डीलर हमारा एक साइड से 20 फोन बाय करता है हमसे जी, हम उसको एक साइड का किराया देते हैं जी, जो 40 फोन बाय करता है उसको हम दोनों साइड का किराया देते हैं। और 100 फोन का नहीं बताते हैं, 100 फोन के लिए फ्लाइट का किराया है एक तरफ का, एक तरफ का, और 200 फोन पे नहीं 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 वो अलग चीज हो गया। और अभी क्या करेंगे कि सीओडी वालों के लिए तो सीओडी का एक्स्ट्रा चार्जेस है, अब हम प्रीपेड के लिए करेंगे, मतलब जो भी बंदा 50 फोन एक साइड से बाय करता है हमसे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जी, कोरियर चार्ज उसका फ्री करेंगे। अच्छा, उसे कोरियर देना नहीं पड़ेगा 50 फोन, ठीक 50 फोन के ऊपर जो 100 फोन करेगा उसको हम कोरियर चार्ज प्लस डिस्काउंट देंगे। अपनी शॉप का नाम बता दें, लोकेशन, नाम लखनऊ का चारबाग है, नाका हिंडोला, लखनऊ उत्तर प्रदेश, चारबाग, चारबाग रेलवे स्टेशन पे आना होता है, वहां से आपको आना है नाका हिंडोला, नाके वाला बड़ा गुरुद्वारा है अपना। हाँ। या चारबाग उतरेंगे मेट्रो स्टेशन के नीचे आएंगे। हाँ। वहां मेट्रो स्टेशन नीचे से आपको बैटरी वाला रिक्शा मिल जाएगा, मात्र 10 रुपए दीजिएगा, 10 रुपए ज्यादा मत दीजिएगा, बोलिएगा कि बांस मंडी चौराहा उतार दे, बांस मंडी चौराहे से बड़ा गुरुद्वारा करीबी है, बड़ा गुरुद्वारा गेट से गेट में एकदम आगे खड़े हुई है, बाई तरफ देखेंगे छठवीं दुकान अपनी फ्लिपकार्ट सेकंड हैंड मोबाइल मदर एंड सन्स के नाम से मिलने वाली है। चारबाग से कितनी दूरी पे है? चारबाग से मात्र आपको 500-700 किलोमीटर, मोटा मोटा 1 किलोमीटर, 500-700 मीटर, 1 किलोमीटर भी ऊपर नहीं है। अच्छा जी, तो आज के लिए इतना ही बिल्कुल, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में बिल्कुल, उसमें हम आपको रेट वगैरह कवर कर देंगे बिल्कुल। आज तो केवल कमेंट था काफी कस्टमर का कि हमको नई शॉप डालनी है, काफी कमेंट आता है बिल्कुल, उस पर हमने आपको एक वीडियो बनाई जिसमें आपको समझाया कि आप इस पर ध्यान दीजिए, तो आपको इस तरह से काम करना है, क्योंकि माँ बाप के पैसों पर भी ध्यान दीजिए, अगर आपकी सेल्फ कमाई है तो उस पर ध्यान दीजिए, ए से स्टार्ट करिए, कभी जेड पे पैर मत रखिए बिल्कुल, सीढ़ी के पहले पायदान पे पैर रखेंगे अच्छे से चढ़ जाएंगे, अगर एक पायदान से छोड़ के 10वें पायदान पे रखेंगे तो आप समझ रहे हैं वो क्या होगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।
अगर जैसे आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।